अच्छा देंगे हाँ तो कस्टमर आपको ढूंढेगा। बिल्कुल सर, अगर आप यही है कि हमने 100 रुपया फालतू कमाना है, हाँ जी, फिर आप रोज कस्टमर को ढूंढोगे। जी जी बिल्कुल सर, दोनों बात। ये पूरा HDHMR नहीं होता, ओके, ये इसके दोनों साइड 4 mm की HDMR की शीट चढ़ी होती है, हाँ जी, जो वुड को आपकी दरवाजे की कभी भी आओ, कभी भी विजिट करके आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। महालक्ष्मी के नाम से पड़ता है, उमर मस्जिद के पास नाडा रोड मार्केट में। तो आज इसी को एक्सप्लोर करेंगे, महालक्ष्मी ट्रेडर के नाम से आइए। तो यहाँ पर डिजाइन नए नए आते रहते हैं, लेटेस्ट चीजें आती रहती हैं, और आज देखते हैं क्या कुछ हमारे को नया मिलने वाला है। और होलसेल प्राइस के अंदर आपको यहाँ पर डोर विंडो मिल जाएंगी। मैंने भी काफी इनकी वीडियो शेयर की थी, काफी अच्छा रिस्पांस रहा, तो काफी अच्छे मैसेज आ रहे थे कि एक वीडियो और लेके आइए, काफी अच्छे डिजाइन आ गए होंगे और लेटेस्ट क्वालिटी आती रहती है, डिजाइन आते रहते हैं मार्केट में, पता ही आपको। तो आप देख सकते हो, एक बार व्यू देख लीजिए, काफी भैया के पास स्टॉक रहता है और काफी वैरायटी रहती है भैया के पास। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम टू महालक्ष्मी अगेन। थैंक यू जी, थैंक यू। और सर, आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ स्पेशल रहने वाला है और क्या कुछ नई क्वालिटी आई हुई है सर? सर, क्वालिटी भी काफी आई हुई है, और इसी में ना मैं एक दो बातें जो कस्टमर की तरफ से कई क्वेश्चंस आते थे उनका आंसर दूंगा इस वीडियो में। जी सर, जैसे हमारे दरवाजे हैं, हाँ जी, बाजू मैं दिखाता हूँ। जी सर, कस्टमर को पता नहीं चलता ये मेम्ब्रेन डोर है क्या। हाँ जी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सनमाइका चिपका हुआ है, ओके, बट मैं आपको आज बता देता हूँ इसके अंदर क्या होता है। सर, जो फ्लश डोर है ना, हाँ जी, फ्लश डोर के ऊपर ग्रूवल निकाल कर जी, उसके ऊपर एक स्लीक शीट प्लास्टिक की परत चढ़ाई हुई है। हाँ जी, ये कोई माइका नहीं है, बहुत पतली शीट है। अच्छा जी, ये शीट क्या होता है सर, एक पेंट का काम कर रही है आपका। अच्छा जी, और इसके अंदर एक फायदा है सनमाइका से, ये क्या है, इसको कभी भी पेंट कर सकते हो आप। ओके, माइका के ऊपर क्या होता है, स्क्रैच पड़ जाता है, हम पेंट नहीं कर पाते। हाँ जी सर, इसके ऊपर कभी भी आप पेंट कर सकते हो, आपका पेंटर इसको रेगमार से उतार देगा शीट को। अच्छा जी, दोबारा आप इसे व्हाइट, ब्राउन, डार्क ब्राउन जैसा मर्जी करवाओ, मतलब ये चीजें काफी कस्टमर्स का ये हो जाता है कि सबको लगता है कि ये माइका लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी, सनमाइका का डोर बोल देते हैं, फिर उन्हें पता नहीं चलता। कई बार ऑर्डर भी देते हैं ना, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर काफी आ रहे हैं जी जी, उनको जैसे कस्टमर शॉप पे नहीं आ पाता, बहुत सारे दूर से राजस्थान से हमारे हिमाचल से कस्टमर है, उनको पता नहीं चलता कि ये क्या चीज है, वो देखने के बाद कहते हैं सर ये प्लास्टिक, ये तो इसके ऊपर तो शीट चढ़ी हुई है, ये माइका तो है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी, हम सर पहले आपको बोल रहे हैं मेम्ब्रेन का वर्ड ही ये स्लीक शीट से है, फ्लश डोर अलग चीज है, ये मेम्ब्रेन बोलते ही इसको है, प्लास्टिक की स्लीक शीट को। अच्छा जी, इसके अंदर दो कलर होते हैं, हाँ जी, डार्क ब्राउन कलर भी मिल जाएगा आपको, ये कलर भी मिल जाएगा। दूसरी बात है कि सिर्फ फर्क ये है कि ये स्लीक शीट है, कस्टमर ये ना सोचे कि ये सनमाइका। अच्छा जी, ठीक है सर। और इसी के बाद दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जो HDHMR का डोर है हमारा जी, ये पूरा HDHMR नहीं होता, ओके, ये इसके दोनों साइड 4 mm की HDMR की शीट चढ़ी होती है। हाँ जी, जो वुड को आपकी दरवाजे की लकड़ है जो अंदर डली हुई जी, उसको जी, पानी से खराब नहीं होने देगी। ओके, मतलब ऊपर से वाटरप्रूफ कर देता है, पूरा वाटरप्रूफ कर देता है लकड़ को। ओके, मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर पूरा HDHMR बोर्ड के ऊपर हमने माइका वो मेम्ब्रेन चढ़ाई हुई है। हाँ, वैसा भी मिल जाएगा बट आपको, पर ये 4 mm की शीट ही दरवाजे को खराब नहीं होने देती। तीसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये HDMR की शीट में भी बहुत आजकल डुप्लीकेसी आ गई, क्वालिटी आती है। हाँ, MDF की क्वालिटी चिपका देते हैं, MDF आता है एक जो HDHMR से सस्ता पड़ता है। अच्छा जी, वो ग्रीन कलर का वो चिपका के आजकल कस्टमर को भेज देते हैं कि हमारा HDHMR का दरवाजा, उससे कॉस्ट का तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ जी, पर जितना भी पड़ रहा है कस्टमर को ये लगता है कि वो सस्ता है, बट दिखने में वो सेम है, दिखने में सेम है, मगर क्वालिटी नहीं। हाँ, है पर वो वाटरप्रूफ नहीं होता, हाँ, वो सिर्फ MDF की शीट है, वो दोनों साइड से ग्रीन कलर की चिपका देते हैं, कहते हैं HDHMR है बट वो है नहीं। अच्छा, इसमें 4 mm की जो शीट है दोनों साइड से चिपकी हुई है, इसको पानी पुणी में जैसे मर्जी। तो सर उसका कैसे पता चलेगा फिर कुछ? सर ये पता क्या है, ये तो देखो कस्टमर को अच्छा देंगे हाँ तो जी, कस्टमर हाँ आपको ढूंढेगा। बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल। आप यही है कि हमने 100 रुपया फालतू कमाना है, हाँ जी, फिर आप रोज कस्टमर को ढूंढोगे। जी जी बिल्कुल सर, दोनों बातों में सिर्फ यही फर्क है। अच्छा, कि आपको कस्टमर चाहिए या कस्टमर को आप चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। हाँ अगर हम क्वालिटी बेचेंगे जी जी, तो एक है कि कस्टमर खुद से आपके पास आए, और दूसरी बात कस्टमर कुछ बोले ना, सिर्फ ये बोले आपको कि हमने वहां आपके दरवाजे देखे हैं, हाँ जी, आप बस उन्हीं की क्वालिटी हमारे लगा दीजिए बस। रेट सर, क्वालिटी और रेट में सिर्फ यही है कि रेट क्वालिटी के हिसाब से लेना हमने। हाँ जी हाँ जी, बट ये सस्ता जितना मर्जी ले लो, जितना
गुड़ पाओगे उतना मीठे वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है सर। गुड़ पाते रहोगे सर उतना मीठा होता जाएगा। हाँ जी हाँ जी। आप सस्ता जितना मर्जी ले लो सर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जी जी, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दरवाजा, उसमें आपने जितना कुछ डलवाना है हमने लिटिल बिट मार्जिनेबिलिटी पे काम करना है। बिल्कुल सर, क्वालिटी का प्राइस कमाते हैं सर, पर ज्यादा लोगों से कमाते हैं। जी जी जी, पर ये नहीं है कि एक ही कस्टमर से हमने ज्यादा कमा लेना है, कहीं करना ही नहीं। एक कस्टमर चार कस्टमर को जोड़ता है। बिल्कुल सर, उस चार से 50 हो जाते हैं सर। हाँ जी हाँ जी सर, पर लिटिल बिट से ही काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, और सनमाइका की आपको मैंने पहले ही बताया था, सनमाइका के अंदर बहुत सारी क्वालिटी आती है। हाँ जी, माइका पतला भी आता है, मोटा भी आता है, कस्टमर ये नहीं देखता, कस्टमर देखता है माइका लगी हुई है। जी, 0.6 की माइका भी आती है, 0.8 की, 0.72 की, और 1 mm भी है। हाँ, पर देखने में देखो कस्टमर को चिपकने के बाद कुछ नहीं पता चलता। बिल्कुल नहीं पता, हम गलत कह के किसी को नहीं बेचते। हाँ जी, क्योंकि कल देखो इतनी दूर माल जा रहा है, कस्टमर को गलत चीज बेच के, क्योंकि ये चीजें सर हर रोज सामने देखने की है। हाँ जी, देखो घर में बंदा रह रहा है, दरवाजा रोज खोलना। हाँ जी हाँ जी, दरवाजा रोज खोलने के बाद अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो रोज आपको कोसेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो भूलेगा सर। हाँ, वो हर टाइम आपको सोचेगा कैसा दरवाजा लगा दिया। जी जी जी, हम अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी देके बेचते हैं कस्टमर को। हाँ जी, बेस्ट ये सोचते हैं कि कस्टमर अच्छे से अच्छा ले, बट अगर कस्टमर ही ये सोच लेता है कि हमने सस्ता लगाना है या वहां सस्ता मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्वालिटी में ही फर्क है। क्वालिटी अगर आप बेटर लगाओगे, देखो हर दुकानदार अपना अच्छा ही चाहता है। बिल्कुल सर, हर कस्टमर भी अपना अच्छा चाहता है। जी जी जी, बट हम ये नहीं सोच के, मेरा होलसेल का काम है। हाँ जी, हम सोचते हैं कि लिटिल बिट मार्जिनिटी में अच्छा चीज जाए आपके घर। आप रेट पे मत जाइए, क्वालिटी देखिए, क्वालिटी लीजिए। जी जी, कभी भी आपके दरवाजे में दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी मतलब सिस्टम होते हैं एक चीज के खराब होने के, हाँ जी, ये नहीं है दरवाजे खराब नहीं होता, दरवाजा खराब होता है, पर हम उसकी केयर पे ज्यादा ध्यान देंगे। हर चीज की केयर मांगती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हर चीज केयर मांगती है। अब क्या करते हैं लोग, मेरे एक दो चीजें और आई, मेरे कस्टमर जैसे आ जाता है शॉप पे कि आपने गारंटी दी थी। हाँ जी, गारंटी का मतलब ये होता है सर कि क्वालिटी हमारी जो लगी हुई है उस चीज की गारंटी है। बिल्कुल, बेंड होने की हम कहते हैं कि गारंटी है। हाँ जी, तो हम रिप्लेस करने की भी हिम्मत रखते हैं कि आपको रिप्लेस करके देंगे। बिल्कुल सर, बट क्या करते हैं लोग, अब बहुत सारी अब आंधी तूफानों का सीजन चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, हाँ कस्टमर जी, क्या करता है, विंडो खुली है ना। हाँ जी, खुली ही छोड़ देते हैं। जी जी, खुली छोड़ने के बाद हवा में वो बसती रहेगी, वो कितने आंधी तूफान सहन करेगी, नहीं कर पाएगी। ये कल्ली हमारी वुडन की नहीं बात कर रहा मैं, किसी के घर में भी लगी होगी। जी जी, वो बंद ही नहीं करते। हाँ जी, अंधेरी में उसे फैला, कभी बंद कभी खुला, कभी बंद कभी खुला, देखो उसने लूज तो होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर कस्टमर कहता है आपको, आपकी विंडो में दिक्कत आ गई है, जाली के दरवाजे में दिक्कत आ गई है, बेंड हो गई या कुछ ऐसा हो गया। नहीं, बेंडिंग की दिक्कत नहीं है सर, वो बजता रहेगा, थोड़ा लूज तो होगा, लूज हो जाएगा, पर कस्टमर अगर ध्यान रखेगा उसका। हाँ, आप देख रहे हो कि आंधी आई हुई है तो हमने विंडो की चिटकनी बंद करके छोड़नी है। जी जी, तो कभी भी हमारे प्रोडक्ट में आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी, दिक्कत नहीं आएगी ऐसी कुछ भी। मतलब क्वालिटी, यही दो चार बातें हैं कि जो कस्टमर की तरफ से हमें आ रही है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ जी, हम हर चीज का आपको सोल्यूशन दे रहे हैं हर वीडियो के अंदर। बिल्कुल सर, आप कुछ भी पूछे, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपकी वीडियो पे चलता रहता है, कभी भी आप कंफर्म कर सकते हैं इसमें ये चीज कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चीज होगी। जी जी, हम हर प्रॉब्लम भी बताएंगे आपको, ये आ सकती है ऐसा करने से, आप उसका ध्यान रखो, कभी भी आपके दरवाजे में दिक्कत नहीं आएगी। हमारे खुद के मतलब जो हमारे घर पे भी लगे हुए हैं, हाँ जी, हम खुद, हमें पता है सर ये चीज ऐसे करनी है, कभी भी दिक्कत नहीं आती। नहीं आती सर, केयर करोगे तो नहीं, केयर करेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात आपको मैं दिखा देता हूँ, एक WPVC में सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। जी जी सर, बहुत सारे कस्टमर, अब मैंने डायनेस्टी की बात की थी। हाँ जी, कि WPVC की डायनेस्टी, बट बहुत सारे कस्टमर ये पूछने लग जाते हैं सर लक्कड़ का दरवाजे में डायनेस्टी कितनी है। हाँ जी सर, डायनेस्टी होती है WPVC की। ओके, रेजिन की वैल्यू कितनी है, कैल्शियम की वैल्यू कितनी है। हाँ जी, रेजिन का मतलब है प्लास्टिक। जी, कैल्शियम की वैल्यू, कैल्शियम होता है मिट्टी। ओके, कैल्शियम क्या है कि वजन बढ़ाने के लिए इसका। जी, रेजिन आप प्लास्टिक की वैल्यू है। हाँ जी सर, इसकी 900 डायनेस्टी है। ओके, ये 2500-2600 की रेट का है, कस्टमर अच्छा। कहता है 2200 का भी मिल रहा है। हाँ जी सर, उसी में रेजिन की वैल्यू कम है, ये नहीं है कि क्वालिटी, ये हम महंगा बेच रहे हैं या वो सस्ता है। जी जी, सिर्फ फर्क ये है कि उसके रेजिन की वैल्यू कम है, कैल्शियम की वैल्यू ज्यादा है उसमें। बाद में दिक्कत ये आती है कि आप पेच लगाते हैं थोड़े दिन बाद हैंडल हाथ में आने लगे, लूज हो जाता है। लूज होने लग जाता है। जी, इसको चाहे 10 बार आप पेच लगाओ, 10 बार खोलो,
कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सर जो प्रॉब्लम्स है, वैसे हमने एक चीज और WPVC में ज्यादा हमें चल रहा था कि प्लेन दरवाजा लेके आओ। ओके सर, WPVC में हमने जो राउटिंग करा रखी है उसमें बंदा, कई कस्टमर अच्छे घर में पॉलिश वगैरह कराते हैं जी, तो वो सोचते हैं कि ये WPVC प्लास्टिक का लग रहा है हमारे घर। अच्छा जी, बट प्लेन दरवाजे पे आप पेंट करने के बाद एज ए वुडन टच आ जाएगा, वुडन टच आ जाएगा। सबसे ज्यादा कस्टमर की डिमांड आई थी कि प्लेन बनाओ इसे। ओके, तो हमने प्लेन दरवाजा भी निकाल दिया इसका। आप रूट राउटिंग कराने की मतलब जरूरत नहीं है, सीधा प्लेन दरवाजा लो, इस पे पेंट करो, आपका बिल्कुल वुडन जैसा लगेगा। ओके, मतलब इसमें वुडन पेंट हो जाएगा, वुडन पेंट हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है जी, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सनमाइका में आप लिपिंग वाले दरवाजों में और सारे काफी सारे डिजाइन आ गए हैं, जैसे ये चीज है। ड्यूल कलर है जी, दोनों कलरों में मिल जाएगा आपको। इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं, ग्रे, व्हाइट, सिल्वर, जैसा मर्जी, जैसा आपके घर के पेंट की कलरिंग है हाँ जी, वैसा आपको कलर दे देंगे। ओके, जैसा मर्जी कलर चूज कर सकते हो आप, लिपिंग लगी होगी, जैसे आप कराना चाहो, जैसा डिजाइन आप पेन से भी बना के देंगे वैसा ही डिजाइन बना देंगे। और दूसरी बात है, लिपिंग बिल्कुल फंसी हुई है, ये नहीं है कि हमने ऊपर से चिपकाई हुई है, ये टी है हाँ जी, मतलब ये प्लेन नहीं है कि हमने चिपका दी थोड़े दिन बाद कपड़ा फंसा निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल टी है, अंदर फंसाई हुई है, कभी भी खराब नहीं होगी है, ना निकलेगी। बाकी आप जाली वाले डोर वगैरह देख सकते हैं, आप विंडो हमारे पास मिल जाएगी, मतलब लकड़ की कोई भी आइटम ले सकते हो। बहुत जल्दी हम फ्लाजोर का मतलब प्लेन फ्लाजोर भी देंगे आपको, प्लाईबोर्ड का काम भी हमने स्टार्ट करना है अभी, प्लाईबोर्ड भी आपको दिखाएंगे। और ये वैसे कॉन्टैक्ट नंबर आपकी वीडियो पे चल ही रहा है, और आप विजिट भी कर सकते हैं महालक्ष्मी ट्रेड्स, नाडा रोड, नया गाँव, नियर उमर मस्जिद, PGI के बिल्कुल पास, 500 मीटर पे अपनी शॉप है। कभी भी आओ, कभी भी विजिट करके आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। कि आप साइज की कोई मतलब चिंता ना करें, क्योंकि साइज हमारे पास सारे मतलब 8 फुट तक कोई भी दरवाजा आप ले सकते हैं, और जाली का दरवाजा हम आपको 100 इंच तक दे देंगे। 100 इंच का दरवाजा भी चौड़ाई में आप 45 इंच 50 इंच जैसा आपको सही लगे वैसा ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे कस्टमर के बहुत सारे हाइट पे दरवाजे होते हैं, आप देख सकते हैं हाइट वाले दरवाजे, लंबे दरवाजे आपको जैसे ये भी मिल जाएगा, डिजाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। अब जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आपको दरवाजा दे देंगे, जैसी आपकी विंडो की रिक्वायरमेंट होगी, जाली के दरवाजे की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सेसरी भी मिल जाएगी आपको, सब कुछ मिल जाएगा। कभी भी आप विजिट कर सकते हो महालक्ष्मी ट्रेड, नाडा रोड, नया गाँव, मोहाली। देख सकते हैं भैया ने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया कि कौन से मेमरिंग डोर और क्या क्वालिटी रहती है, तो आइए यहाँ पर विजिट करिए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो पे।